हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप वर्ड के डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क ऐड कर सकते हो। ओके, तो इससे पहले अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले और वीडियो आपके तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और इसी तरीके से आप बाजू में बेल का आइकॉन भी होगा, वो भी आप क्लिक कर लो, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पब्लिश करें तो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप उसको भी देख सको और आप सीख सको कुछ नया। तो चलो चलते हैं फिर। डिज़ाइन के मेनू पे क्लिक कर दो आपकी फाइल में रह के, और यहाँ से आपको राइट हैंड साइड पे वाटरमार्क का ऑप्शन दिख जाएगा। ये कुछ डिफ़ॉल्ट वाटरमार्क्स है जो वर्ड में डिफ़ॉल्ट होते हैं, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आप अपने कस्टम वाटरमार्क्स को भी यूज़ कर सकते हो। मैं कस्टम वाटरमार्क करना सिखा देता हूँ, उसके पहले दिखा देता हूँ कि कैसे ये इसको किया जाता है। सिंपली आपको फाइल पे कहीं पे भी आपके पेज पे जाके क्लिक कर दो और उसको सिलेक्ट कर दो, तो आपको बेस्ड ऑन फॉर्मेट में आपको ये इस तरीके का मिल जाएगा आपका वाटरमार्क। अभी इसको रिमूव करना है तो इस पर क्लिक कर दो और यहाँ पे आके रिमूव वाटरमार्क कर दो, और वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। अभी आपको कस्टम वाटरमार्क अपनी कस्टम टेक्स्ट डालनी है, तो आप यहाँ से इजीली डाल सकते हो। आप अपनी इमेज भी यहाँ से सिलेक्ट करके डाल सकते हो और इजीली उसको छोटी बड़ी कर सकते हो यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कस्टम टेक्स्ट का वाटरमार्क क्रिएट किया जाता है। लैंग्वेज आपको जो रखनी हो यहाँ पे, आपके बेस्ड और आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट कौन सी डालनी है, वो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है, पर आपको कस्टम रखनी है, तो सिंपली यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर लो टेक्स्ट को, और यहाँ पे आपके टेक्स्ट जो आपको वाटरमार्क में चाहिए तो वो टेक्स्ट यहाँ पे आप लिख दो। मैं यहाँ पे डिजिटल हेल्पिंग हैंड्स लिख देता हूँ, और फॉन्ट आपके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, तो मैं अभी कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। साइज में ऑटो रख देता हूँ, यानी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट होगी वो ऑटोमेटिक ले लेगा पेज के हिसाब से। और कलर भी आप चेंज कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के बेस्ड ऑन। यहाँ पे डायगोनल और हॉरिजॉन्टल चाहिए, मैं दिखा देता हूँ कि कैसा होगा। अभी देखते हैं डायगोनल पे, और अप्लाई क्लिक करो तो आपको यहाँ पे डेमो मिल जाएगा। तो डायगोनल पे आपको क्रॉस क्रॉस साइड पे आपका वाटरमार्क मिलेगा, जब आप हॉरिजॉन्टल करोगे तो इस तरीके के वाटरमार्क आपको आ जाएगा। ओके, ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, फाइन। और ये सेमी ट्रांसपेरेंट, तो आप इसको भी आप अपनी हिसाब से यूज़ कर सकते हो। आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए ट्रांसपेरेंट या नहीं, थोड़ा कम चाहिए, तो इसके ये चेकबॉक्स का ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हो उसके लिए। ओके, तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आप आपका कस्टम वाटरमार्क सिलेक्ट कर सकते हो। ये साइज़ में भी आप फॉन्ट की साइज़ होती है, तो आप प्लस माइनस इसमें कर सकते हो, वो आपकी बेस के आपकी रिक्वायरमेंट पे बेस होता है। ओके, तो होप कि आप सबको पता चल गया होगा कि कैसे आप एक वाटरमार्क ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, और आपको कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे नीचे कमेंट कर सकते हो आप। मैं ट्राई करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दे सकूँ। और अगर आप ये चाहते हो कि कोई सीखे, तो आप ये वीडियो भी आप शेयर कर सकते हो उसके साथ। और अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक यू सो मच।